ये था गोभी की भुजिया, लेकिन गोभी में स्वाद नहीं है। तो आप लोग कैसे हैं? और व्यू अच्छे नहीं आ रहे हैं, इस बात के लिए बहुत अपसेट हूँ। बट यहाँ पे मेरा हाथ जल गया था दिखाने के चक्कर में कि क्या सब्जी बनाई। यहाँ पे मेरा एक वॉइस ओवर नहीं रहता तो यहाँ पे मुझे चोट लग गई थी, मेरा जल जाता है तो इंसान को डर लगता है। तो आज भी मतलब मेरा जो ऐनक हम लेके आए थे NIT घाट से, वो अभी तक फिक्स नहीं हुआ। कल आया हुआ था वो और आज बिल्कुल ही नहीं आया। कहा कि आज औजार लेकर आएगा लेकिन बिल्कुल ही नहीं है। तो ये मेरे रेफ्रिजरेटर में सब्जी आ गई है और 2 लेमू आ गई है मंडे और ट्यूसडे के लिए। तो आज मैं फास्टिंग में हूँ। भोले बाबा मेरी भी मनोकामना पूरी करें, आप लोग की भी मनोकामना पूरी। जो भी ये मेरा वीडियो दिल से लाइक करेगा और सब्सक्राइब करेगा, भगवान उसकी सारी मनोकामना पूरी करें और मेरी भी करें। सो गाइज, आज लास्ट सोमारी है, सो मैं पूजा आज नहीं कर पाई, बट मेरा आज फास्टिंग है। और ये देखिए मेरे वेट शीट का क्या हालत था जब मैं नीचे आई, पूरा एकदम चिथरा उड़ल था। तो यहाँ पे मैं तुरंत ही से पूरा अच्छे से बिछा दी हूँ, कपड़ा नहीं इधर खींच रही है मम्मी, क्योंकि मम्मी का तबीयत ठीक नहीं है। मुझे वॉशिंग मशीन लेना है, ट्रेडमिल लेना है, वज़न भी बढ़ रहा है, तो इसलिए बहुत अपसेट हूँ। और ये रात का डिनर नहीं, डिनर नहीं है, ये तो लंच था। और ये सुबह, आज की सुबह मंडे की सुबह है। सो मैं अपने गार्डन में गई और ऊपर ताज मंदिर में जा नहीं पाई, इसलिए मैं गोल लग रही दिख रही हूँ। वहाँ पर वो मंदिर दिख रहा है ना आपको, वही मेरा मंदिर है। तो मैं वहाँ पर डेली गोल लगने जाती थी। डेली जब मैं सिलाई सीखती थी, ब्यूटिशियन करती थी, तो मैं डेली वहाँ पर जाकर गोल लगती थी। बट समय बदल जाता और ब्यूटिशियन और सिलाई दोनों मेरा ख़त्म हो गया, तो मैं ऊपर से ही लाग लेती हूँ गोल। और भगवान को दिल से याद करना चाहिए, मंदिर में भी भगवान है, घर में भी भगवान है, पर मंदिर जाता है इंसान, असली भगवान मंदिर में ही होते हैं। तो ये सब मेरे फल उल आ गए हैं। तो यहीं तक था मेरा ब्लॉग गाइज, आप लोग को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बाय बाय।